सहोदर सहोदरियरे, जिन बीमारियों को कांग्रेस ने अपने बरसों के शासन में मजबूत किया, अब बीजेपी उन्हीं बीमारियों का परमानेंट इलाज कर रही है। कांग्रेस की लूट के सिस्टम को बीजेपी ने आधार, मोबाइल और जनधन अकाउंट का ऐसा त्रिशूल चलाया है कि उनकी सारी पुरानी आदतें तहस नहस हो गई है। बीते 9 ईयर्स में बीजेपी सरकार ने 29 लाख करोड़ रुपए, याद रखेंगे मैं जो आंकड़ा बोलता हूं, याद रखेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, याद रखेंगे, उधर से आवाज आनी चाहिए, याद रखेंगे, याद रखेंगे। बीते 9 ईयर्स में बीजेपी सरकार ने 29 लाख करोड़ रुपए गरीब और मध्यम वर्ग के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए। ये पूरा का पूरा पैसा एक नए पैसे की चोरी के बिना लोगों के पास पहुंचे। अगर यही कांग्रेस सरकार के समय होता तो इसमें से 24 लाख करोड़ कांग्रेस के नेता ही लूट लेते। राजीव गांधी का जो हिसाब था उस हिसाब से 29 लाख करोड़ में से 24 लाख करोड़ वही खा जाते। अब आप बताइए, किसी का 24,000 का नुकसान हो जाए तो दुखी हो जाता है? यहां तो मोदी ने कांग्रेस का 24 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। अब यही पैसे देश के विकास में काम आ रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस मुझे गाली देगी या नहीं देगी, मुझे बताइए। सहोदर सहोदरियरे, बीजेपी सरकार ना सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग को उनके हक का पैसा दे रही है, बल्कि उनके पैसे बचाने का प्रयास भी कर रही है। बीजेपी सरकार ने जो सस्ते एलईडी बल्ब देने का अभियान शुरू किया, उसकी वजह से आज देश के नागरिकों के हर साल 20,000 करोड़ रुपए बिजली बिल में बच रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की वजह से देश के गरीबों के 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बचे हैं। सस्ती दवाइयों वाले जन औषधि स्टोर्स की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। हार्ट के स्टेंट की कीमत कम करने से, नी इम्प्लांट में कीमत कम करने से भी गरीब और मध्यम वर्ग के करीब 15,000 करोड़ रुपए बचे हैं।